नरेंद्र मोदी जी ने 6-7-8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला। जितने भी उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। आपने देखा होगा मेरे बारे में जो भी कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। क्यों? क्योंकि पूरे देश को दिखा कि इस व्यक्ति के दिल में इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सिर्फ मोहब्बत है और कुछ है ही नहीं। ২০২৪ के लोकसभा चुनाव से पहले क्या राहुल गांधी को संसद की सदस्यता मिल पाएगी? और राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर तमाम सवाल खड़े भी हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता कल चले आए, कल मिल जाए राहुल गांधी को संसद सदस्यता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चाहती कि राहुल गांधी को संसद सदस्यता मिले। एक वीडियो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, राहुल गांधी का है, जिसमें राहुल गांधी गोदी मीडिया को जमकर कोस रहे हैं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि भैया मैं अकेला सबका मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन आज तो वो राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो कांग्रेस का क्या मुकाबला करें। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे वो सवाल क्या गलत है, ये मेरा सवाल जनता से। राहुल गांधी ने पूछा क्या, अडानी को लेकर सवाल संसद में किया, और उन्होंने यही तो बोला कि मोदी सरनेम वाले सभी जो लोग हैं वो चोर क्यों होते हैं। तो जो मौजूदा समय की तस्वीर है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि जो तस्वीर इस वक्त की है ना, जो हालात इस वक्त के हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुश्किलें इस वक्त बढ़ रही हैं ना राहुल गांधी की, या सीधे सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को जानबूझकर क्या किया गया है, हटाया गया है। संजय सिंह को अभी हाल ही में निलंबित कर दिया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा राहुल गांधी ने खटखटाया है ना, और सुप्रीम कोर्ट से जो उन्हें बड़ी राहत मिली है, वो जाहिर तौर पर ये बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता अगर वापस से चली आती है, राहुल गांधी को वापस संसद सदस्यता मिल जाती है, तो क्या इसका बहुत बड़ा फ़ायदा राहुल गांधी को 2024 के चुनाव से पहले होगा? क्या कुछ कह रहे राहुल गांधी, देखिए एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी ने 6-7-8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला। जितने भी उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। आपने देखा होगा मेरे बारे में जो भी कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। क्यों? क्योंकि पूरे देश को दिखा
कि इस व्यक्ति के दिल में इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सिर्फ मोहब्बत है और कुछ है ही नहीं। उन्होंने पहले कहा कि यह यात्रा 2-3 दिन चलेगी। हम कन्याकुमारी से निकले, मैंने कहा, प्रेस के मित्रों कहा, मगर ये मित्रों का काम नहीं करते हमारे साथ। देखो देखो, पीछे पीछे घूम के देख रहे हैं, देखो, घबराइए मत, घबराइए मत, क्योंकि ये पूरी की पूरी भीड़ जानती है कि आपकी गलती नहीं है, आप पर लगाम बांधी हुई है, आप बंधे हुए हो, आपकी गलती नहीं। हम समझते हैं आपकी मजबूरी है, आपको बच्चों को खाना खिलाना है, आपको तनख्वाह लेनी है, आपको भी जीना है, तो हम आपके खिलाफ नहीं है, मगर थोड़ा सा टीवी पे यात्रा भी दिखा दिया करो। अच्छा, 24 घंटे नहीं, 24 आवर्स न्यूज नहीं, 2-3 मिनट तो दिखा दिया करो। हिंदुस्तान की जनता क्या कह रही है, थोड़ा दिखा दो। आप 24 घंटा अंबानी जी और अदानी जी की बात रखते हो, जनता की भी रख दो 2 मिनट। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के हैं, जो स्थितियां इस वक्त की हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं कि बहुत बड़े हद तक जो बदलाव हो रहे हैं ना, या बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर बदलती नजर आ रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि भैया राहुल गांधी को अगर संसद सदस्यता मिल जाती है तो वो 2024 से पहले एक बड़ी लड़ाई को जीत जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या जानबूझकर बीजेपी राहुल गांधी की संसद सदस्यता के आड़े आ रही है, और अगर राहुल गांधी को संसद सदस्यता नहीं मिल पाती है तो क्या 8 साल तक के लिए उनका करियर खत्म है। हालांकि कोर्ट का जो फैसला राहुल गांधी पर अभी तक बरकरार है, और हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि संसद सदस्यता वापस मिल जाए, तमाम सबूत तमाम चीज़ें रख रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जो देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरीके की स्थितियों को हम देख रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर क्या बड़ी मुश्किल में अब जो है सत्ता पक्ष फंसता नहीं आएगा अगर राहुल गांधी को संसद सदस्यता मिल गई तो। आज के लिए तहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।